हाय गाइस, आई एम हियर विथ डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। मोस्टली पीपल यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन देयर कन्वर्सेशन। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फर्स्ट सेंटेंस इज, तब उसने ये क्यों किया। इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं कि वो जानता था कि उसे इस चीज़ में ऐसा लॉस हो सकता है या हो सकता है, तब उसने ये क्यों किया। Then why did he do it? वो जानता था कि वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी उसने इतनी देरी क्यों की, उसने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कर ही क्या सकते थे। कई बार हम अपनी अनएबिलिटी बताने के लिए बोलते हैं कि हम चाहते तो थे लेकिन हम कर ही क्या सकते थे। इसको बोलते हैं व्हाट कुड वी डू। किसी भी कोर्स के लिए जब हम कोई फीस या जमा करते हैं और जब उसके वापस करने की बात आती है कि यदि हमको नहीं करना हुआ तो क्या आप मेरी फीस वापस करेंगे, तो बोलेंगे कैन यू रिफंड माई फी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बहस करने में इतने माहिर होते हैं कि उनसे हर व्यक्ति बोलता है आप कोई बहस नहीं जीत सकते हैं, तो इसको बोलेंगे यू कांट विन एनी आर्ग्यूमेंट। जब दो लोगों की आपस में अच्छी बनती है तो बोलते हैं हमारी अच्छी बनती है, यानी कि दोनों के बीच में अच्छी सामंजस्यता होती है तो बोलते हैं वी गेट अलॉन्ग वेल। इफ़ एनी पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल टूडे देन ही ऑल्सो सेज, वो भी कहता कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, पहले मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। और जब आप जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए है, आप उसके लिए हकदार हैं, तो बोलते हैं मैं हकदार हूँ इसका, तो बोलेंगे आई डिज़र्व इट। मैं हकदार हूँ इसका, मैंने कई स्थानों में काम किया है। इफ़ ए पर्सन वर्क मैनी प्लेसेस देन ही से, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने कई स्थानों में काम किया है। आई हैव वर्कड इन मैनी प्लेसेस। मैं सबकी परवाह किया करता हूँ। जब कोई आपकी परवाह नहीं करता तो एज ए कंप्लेन आप उसको बोलते हैं कि मैं तो सबकी परवाह किया करता हूँ। आई यूज़ टू केयर एवरीवन। और डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि यदि आपसे नहीं आती है तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी के कारण लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। अंग्रेजी के कारण कई बार लोगों को मजाक सहना पड़ता है, लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कह सकते हैं अंग्रेजी के कारण लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। People have made fun of me because of English. सो डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज, आप पूरी इंग्लिश ना बोल करके इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस हिंदी के साथ बोलिए। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज देन प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन बाई रीडिंग, बाई राइटिंग और बाई लिसनिंग। आई होप कि आपको इन सेंटेंसेज में से कम एक सेंटेंस तो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। यदि आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।